नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ रही बहुत नीचे। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से डिस्टेंस बहुत कम फासला है और एरोप्लेन उड़ते जा रहा है पहाड़ को जस्ट ऊपर से। उस पर में हेलीपैड है तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों अंकल जी बता रहे हैं कि ये नदी जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ट्रिमर चलता है। अब इसका भी आप लुक देख सकते हैं। अब बोट यहाँ से रुक गई है, अब इसको धीरे धीरे करके बैक ले जाएंगे। बैक ले जाने के बाद यहाँ से जितने भी कस्टमर है वो जो बैठे हुए हैं वो यहाँ से उतर जाएंगे और पुनः यहाँ से फिर कस्टमर को बैठा करके फिर जहाँ जितना दूर उनका डिस्टेंस है घुमाने के लिए वहाँ पर ले जाएंगे। तो इसी तरह से इन लोग का जो बोट मालिक है वो लोग का काम रोजाना इसे चलते रहता है। जो भी पर्यटक आते हैं उसको इंजॉयमेंट कराते हैं और समुद्र का सैर कराते हैं, उसी से जो अमाउंट इन लोग का बनता है उन्हीं से इन लोग का जीविका अर्जित होती है। तो इस तरह से यहाँ पर गोवा का काम चलते रहता है। और हम जो बोट से पार होने वाले हैं, इस बोट पर अभी तकरीबन जितने भी गाड़ी है ये फोर व्हीलर से लेकर टू व्हीलर आराम से इस बोट पर आ जाती है। आप देख सकते हैं ये फोर व्हीलर का वाहन है, आराम से यहाँ पर आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे रोजाना का काम चलते रहता है। हमारी गवर्नमेंट तरफ से ये बोट फ्री है, जो पैदल यात्री है उसके लिए फ्री है और जो फोर व्हीलर है वो सबके लिए कुछ अमाउंट लिया जाता है, जो जेन्युइन अमाउंट है वही लिया जाता है। अब देख सकते हैं ये जो बालू है देख रहे हैं और ये समुद्र का पानी, और ये पानी तो भाई समुद्र का पानी है तो खारा है ही, बहुत ज़्यादा खारा है। और अब देख सकते हैं दोस्तों, और इस तरह से ये बोट चलते रहता है। अब यहाँ से जितने भी कस्टमर हैं यात्री हैं सारे लोग यहाँ पे बोट पे पूरा भर जाएंगे और उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ से उस पर चल जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा है। आप देख सकते हैं ये पूरा विकराल समुद्र है, अब पूरा दूर दूर तक आप खाली पानी ही पानी देख पाएंगे और किनारे किनारे घर बना हुआ है समुद्र के किनारे किनारे। जब पता चला कि यहाँ पे पानी बारिश में भर जाता है तो स्थानीय लोग कहने लगे कि नहीं ज़्यादा नहीं भरता है, हालांकि थोड़ा लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन ज़्यादा भरता नहीं है। तो अभी फोर व्हीलर दो ही आए हुए हैं, अभी और भी फोर व्हीलर आएंगे और अभी इंतज़ार कर रहे कस्टमर का। और कुछ जो बाहर से पर्यटक आए हैं वो अपना सेल्फी ले रहे हैं। और इस तरह से देखिए रोड और उसके बाद बोट का कॉम्बिनेशन रहता है। अरे बच्चे लोग यहाँ से नहा करके आप बोट में सवार होकर के उस पर उनका घर होगा तो उस पर जाएंगे। तो यहाँ के जो बच्चे लोग भी हैं वो भी इंजॉयमेंट करते हैं, जिस तरह से बाहर से जो पर्यटक आते हैं गोवा घूमने के लिए तो वो लोग भी इंजॉय करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से बोट में सारे लोग जो यात्री हैं वो बैठे हुए हैं और इस तरह से नीला नीला कलर का जो देख रहे हैं ना, ये पूरा समुंदर है दोस्तों, पूरा समुंदर है, समुद्र का पानी है। सामने से देखिएगा ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। और यहाँ पे एक मछुआरा भाई यहाँ से जाल फेंक रहे हैं, देखते हैं अब इसका मछली आता है या नहीं आ पाता है। तो देखिए जितने भी मछुआरा हैं वो किनारे किनारे अपना जाल ले करके सुबह से लेकर शाम तक अपना करियर नियमित रूप से ऐसे ही करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे मछली फंसा पाते हैं या नहीं फंसा पाते हैं। अभी तो देख रहे हैं जाल में कि मछली फंसा है कि नहीं, लेकिन लग रहा है कि नहीं फंसा है। अच्छा फिर से रेडी कर रहे हैं इसको। फिर से जाल को उधर दिए हैं।
ऐसे ही मछुआरा का यहाँ का काम चलते रहा था। देख सकते हैं पूरा हमारा जो सीप है इसमें भर चुके हैं वैन। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे निकल पड़ेंगे। अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बोट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हम लोग चल पड़ेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये गोवा का और ये नाइट का, ये रात्रि को जब हम लोग वापस आ रहे थे तो ये रात्रि का सीन है। आप देख सकते हैं बोट इस तरह से है, बोट इस तरह से है। आप यहाँ से आप आराम से टू व्हीलर हुई है, फोर व्हीलर है, आराम से आ सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा गाड़ी आप नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि स्पेस कम है और ये डीजल से चलती है। ये बोट डीजल से चलती है और जो यहाँ से हम लोगों ने पूछा कि यहाँ पर प्राइस कितना लिया जाता है, तो जो पैदल यात्री है उन लोग को फ्री है और टू व्हीलर के लिए भी फ्री है और फोर व्हीलर के लिए कुछ मिनिमम प्राइस है। तो इस तरह से यहाँ से रेगुलर काम चलते रहता है। और रात्रि का सीन देख सकते हैं, वो बाहर जो किनारे जो है ना वो आपका होटल का सीन दिखा रहा है, दिख रहा है, ये होटल है, जितने भी दिख रहे हैं ना वो समुद्र के किनारे, ये सारे होटल है, होटल है, बार है, रेस्टोरेंट है, खाने पीने का ही आइटम्स है। अब देख सकते हैं बड़े बड़े जो गाड़ी है, ये बस है, ये जितने भी यात्री लोग को है ले करके यहाँ तक छोड़ देती है और यहाँ से आ जाती है। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।